हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप फ्रॉम गो ग्रीन विद सिद्धि। कैसे हैं आप लोग? मस्ट बी फाइन। बट देखिए, मेरा ये पान का प्लांट है, ये ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ही अच्छा उग रहा था ये, पर देखिए कैसे ये बिल्कुल मुरझा गया, एकदम सारा खाली हो गया। पर क्यों खाली हो पता है? ये खाली हुआ है चींटियों के कारण। जो चींटियाँ होती ना, आंट्स, उनकी वजह से। ये देखिए, बस एक डंडी ही बची है इसमें, बाकी सारा खाली हो गया है। तो इसके लिए मैं आज जो है इसको उपाय करता हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बस एक ही बची है, बाकी देखिए सारा, ये देखिए इतना अच्छा था, ये देखिए सारा ये सूख गया। ये बिल्कुल इतने सुंदर सुंदर से पत्ते आ रहे थे पान के, खूब बड़े बड़े। इतना बड़ा ये पत्ता दिख रहा है, इससे भी बहुत बड़ा पत्ते आते थे हमारे पास। घर में कोई पूजा वगैरह होती थी, मैं इसमें से पत्ते ले लेता था। काफ़ी लोग और भी लेकर जाते थे मेरे पास से कि भैया पत्ते दे दीजिए, पान के नहीं होते थे किसी घर में, मैं दे देता था। पर देखिए, अब मैं कोशिश करता हूँ इसके लिए कुछ कि मैं क्या करूँ इसके लिए। तो मैं करता हूँ इसके लिए ये उपाय। ये है हल्दी, जो हमारे रसोई में होती है ना, जो मसाले में हम लोग यूज़ करते हैं, वही पिसी हुई हल्दी है। और उसी हल्दी को मैं इसमें थोड़ा सा बुरक दूंगा, है ना, ऐसे करके इसमें डाल देता हूँ। देखिए ऐसे करके, ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें ये हल्दी ऐसे डाल रहा हूँ, चारों तरफ जो है ना इसके मैं डाल दूँगा। तो देखिए ये भाग जाती हैं, ऐसा बताते हैं। पहले भी कई बार हुआ हैगा, तो मैंने ऐसे ही कराएगा, मैंने हल्दी डाल दी तो मेरा पौधा जो था वो ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं और ले रहा हूँ, ये ले ली मैंने इसमें, और थोड़ा सा और इसमें डाल दूँगा। ये देखिए ये मैं डाल रहा हूँ इसमें इस तरीके से, और ये देखिए फिर देखते हैं क्या होता है इसका पान का, क्योंकि पान में ना मेरी पहली बार ऐसे हुआ हैगा। बाकी देखिए कितनी चींटियाँ चल रही हैं यहाँ पर, देखिए चल चींटियाँ दिख रही हैं मेरी चींटियाँ यहाँ पर हो गई थी। और दूसरा काम जो मैं करूँगा वो करता हूँ, ये है मेरे पास घर में रखी थी लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा आप सभी को पता होगा, मिल जाती हैं किराने की दुकानों पर। ये एक होता है इनके कॉकरोचेस के लिए, इनके भगाने के लिए। तो इससे जो है ना, मैं लकीर इसके चारों तरफ बना दूँगा, ये एक सर्किल सा बना दूंगा गमले के चारों तरफ। और फिर कोशिश करूंगा कि ये चींटियाँ ना आए फिर यहाँ पर। वैसे तो नहीं आती हैंगी, कॉकरोच वगैरह तो भाग जाते हैं ना इसमें। आपने रसोई वगैरह में कभी कॉकरोच हो जाते हैंगे तो देखा होगा, टीवी में ऐड भी आता है इसका। तो इसको खींच देते लकीर वहाँ पर, तो कहते हैं कॉकरोच वहाँ नहीं आते। चलिए मैं यहाँ पर इसको ट्राई करता हूँ। ये देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ खींच रहा हूँ इसके चारों तरफ, ये देखिए यहाँ पर भी पीछे तक खींचूँगा, पूरा खींचता हूँ। ये देखिए कहीं पे कोई जगह ना रह जाए, कि वहाँ से ना चढ़ जाएँ कहीं पर, है ना, कहीं से भी जगह रहेगी तो चढ़ जाएंगी, वहाँ से रास्ता बन जाएगा उनका। तो जो है मैंने ये भी खींच दिया इसमें। तो अब देखिए कोशिश करते हैंगे, बच गया तो अच्छा ही है। और मुझे उम्मीद है पूरा आप सबका आशीर्वाद भी मेरे संग रहेगा, तो ये पक्का मेरा पान का पौधा बच जाएगा। और मैं पहले वीडियो बनाने वाला था, तो मेरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे ना, तो उसमें आप बहुत हरा भरा देखेंगे इसको, जब मैंने गार्डन ओवरव्यू दिया होगा कहीं पर, तो बहुत अच्छा ये चल रहा था, खूब भरा हुआ था, बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोच रहा था मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा पान के ऊपर, और जब तक मैं बनाता उससे पहले ये देखिए इसका ये हाल हो गया है। पर कोई बात नहीं, जब घर में इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई ना कोई तो बीमार पड़ेगा, किसी खांसी जुकाम बुखार आए गई ना, तो कोई बात नहीं। इसको भी थोड़ा सा आ गया है, अब मैं इसको जो है सूखा सूखा से निकाल दूंगा और इसको ऐसे करके बांध दूंगा इसको अच्छे से, जिससे कि इसमें जो है जो बचत हो सकती है वो बचत हो जाएगी। तो थोड़ा भरा भरा भी लगेगा ये ना, और बच भी जाएगा। अभी मैं जो हूँ वीडियो बनाने के बाद ना, इसका जो एक्स्ट्रा जो है ना, ये वाला पुराना पुराना जो है ये सूखा सूखा सा, ये सब मैं निकाल दूंगा।
इसका पान का शरबत भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने बनाया हुआ, अपने घर के ही पान के पत्ते थे उससे शरबत बनाया, तो बहुत अच्छा बनता है। कभी होगा तो मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगा, और कोशिश करके पान ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा है ये। इसके बहुत अच्छे गुण भी हैं, एक तो माउथ फ्रेशनर बहुत अच्छा आएगा, कई बीमारियों में भी आपको ये काम देता हैगा, तो कुछ मुँह को ठंडक देता हैगा। और पहले ज़माने में जो था, जब लिपस्टिक वगैरह नहीं होती थी, तो स्त्रियाँ जो थी ना इसी को यूज़ करती थी अपने होंठ रचाने के लिए। तो हर तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको, और बिल्कुल आराम से हो रहा था मेरे पास, तो ये कोई ज़्यादा मुझे केयर नहीं करनी पड़ी थी इसकी। जैसे सामान्य सारे पौधे रह रहे थे घर में, वैसे ये भी था। अब अचानक से ही चींटियों का अटैक हो गया, तो बेचारे इसका दोष थोड़ी ना है कोई भी। कोई बात नहीं, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, मुझे पक्का विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन।